हाय फ्रेंड्स, बचपन चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हैं देश में नाथ परंपरा के विश्व प्रसिद्ध और सबसे बड़े केंद्र गोरखनाथ मंदिर में। एशिया में योग का प्रचार प्रसार करने वाला यह मंदिर प्राचीन काल से ही धार्मिक आस्था और साधना का केंद्र रहा है, साथ ही हिंदू संस्कृति का पोषक और संरक्षक भी है। नेपाल, पूर्वांचल, बिहार के साथ देश के सभी नाथ परंपरा के मठों और केंद्रों के लिए यह मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। फिलहाल तो देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर भी मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर के उस इतिहास के बारे में जिसकी गौरवगाथा यहाँ के सभी संतों की जुबान पर है। करीब 52 एकड़ क्षेत्र में फैले इस ऐतिहासिक मंदिर के केंद्र बिंदु हैं भगवान शिव के साक्षात स्वरूप आदि योगी गोरक्षनाथ जी। इस मंदिर ने मुस्लिम आक्रांताओं के दमन चक्र को झेला है। 3-3 बार इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया, लेकिन कभी भी इसकी गरिमा धूमिल नहीं हुई और न ही लोगों की आस्था डगमगाई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इस मठ को तहस नहस कर दिया गया और शिव साधकों को बलपूर्वक हटा दिया गया। लेकिन कहते हैं कि आस्था अडिग होती है। नाथ संप्रदाय के साधकों ने फिर से इस मठ को जीवंत कर दिया, इसका पुनर्निर्माण हुआ और फिर यह नाथ संप्रदाय का केंद्र बन गया। लेकिन मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदू कैलेंडर के 17वीं और 18वीं सदी में इस मठ को 2 बार नष्ट किया, पर शिव साधकों ने अपनी शक्ति और साधना से एक बार फिर गोरक्षनाथ जी के इस मठ को पुनर्निर्मित कर दिया। यह एक बार फिर से नाथ संप्रदाय का केंद्र बिंदु बना। योग और साधना के साथ ही यहाँ से भारतीय संस्कृति भी पोषित पल्लवित होने लगी। वर्तमान समय में हम जिस भव्य मंदिर को देखते हैं वह महंत श्री दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ के प्रयासों का परिणाम है। समय के साथ साथ इसकी भव्यता और विशालता बढ़ती गई। फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर गोरक्षनाथ जी यहाँ कैसे आए, गोरखपुर उनकी तपोभूमि कैसे बन गई। इन दोनों सवालों का जवाब जानने के लिए मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो गोरक्षनाथ जी की महिमा का बखान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, गुरु गोरक्षनाथ जी भिक्षाटन करते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मशहूर ज्वाला देवी मंदिर चले गए। वहां उन्होंने अपनी भक्ति से देवी को प्रसन्न कर दिया, जिससे वे प्रकट हो गईं और गोरक्षनाथ जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। वहां उनको कई तरह के व्यंजन परोसे गए, लेकिन गोरक्षनाथ जी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। उन्होंने भिक्षा में प्राप्त चावल दाल से बना भोजन ग्रहण करने की बात कही। बाबा गोरक्षनाथ ने देवी को भोजन बनाने के लिए पानी गर्म करने को कहकर वहां से भिक्षाटन के लिए निकल गए। वे भिक्षा मांगते हुए गोरखपुर के पास राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर आ गए। उन्होंने वहीं पर अपना अक्षय पात्र रख दिया और साधना में लीन हो गए। उस समय मकर संक्रांति का पर्व आया तो स्थानीय लोग बाबा के पात्र में चावल दाल डालने लगे। वह पात्र भरता ही नहीं था। लोगों ने इसे चमत्कार माना और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। उसके बाद से बाबा गोरक्षनाथ यहीं के होकर रह गए। ऐसी मान्यता है कि बाबा गोरक्षनाथ गोरखपुर आ गए और
उधर ज्वाला देवी मंदिर में आज भी उनकी प्रतीक्षा में भोजन के लिए पानी उबल रहा है। गोरक्षनाथ जी के नाम पर ही इस स्थान का नाम गोरखपुर पड़ा, जहां वे साधना में लीन हुए उस क्षेत्र में ही गोरखनाथ मंदिर बना। नाथ संप्रदाय की मान्यता है गोरक्षनाथ जी सभी युगों में विद्यमान रहे हैं, सतयुग में, पेशावर में, त्रेता युग में, गोरखपुर में, द्वापर में, हरमुज में और कलयुग में सौराष्ट्र के गोरख मधि में अवतरित हुए थे। हर वर्ष मकर संक्रांति पर बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जाती है। मंदिर परिसर में एक माह के लिए खिचड़ी का मेला लगता है, जिसका समापन महाशिवरात्रि को होता है। मकर संक्रांति को महंत बाबा गोरक्षनाथ को महारोट का भोग लगाते हैं, बाद में इसे प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांटा जाता है। महारोट देशी घी और आटे से बना हुआ प्रसाद होता है। गोरखनाथ मंदिर में अखंड धूना है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग से गोरक्षनाथ जी द्वारा प्रज्वलित अग्नि आज भी अखंड धूना में जलती है। यह नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए विशेष प्रेरणा स्रोत है। इस मंदिर परिसर में आपको सभी देवी देवता मिल जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर के प्रथम महंत वरदनाथ जी थे, वे बाबा गोरक्षनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ मंदिर से ही देश भर में फैले सभी नाथ संप्रदाय के मंदिरों और मठों की देख रेख होती है। गोरखनाथ मंदिर सामाजिक समरसता का भी बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को सम्मान प्राप्त है। भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार करने वालों में आधे से अधिक रसोइया दलित मिलेंगे। तो मोहम्मद यासीन अंसारी मंदिर के मुंशी हैं और जाकिर अहमद प्रॉपर्टी का लेखा जोखा रखते हैं। गोरक्षनाथ जी की योग पद्धति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम ने नाथ पंथ को स्वीकार किया। गोरक्षनाथ जी ने जिन 12 पंथी समाज की नींव रखी, उनमें सभी जाति और धर्म समान थे। नाथ पंथ से जुड़ने के बाद व्यक्ति की पहचान केवल नाथ से होती है, उसकी जात, धर्म या संप्रदाय पीछे छूट जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जात पात की सोच को तोड़ने के लिए महंत अवैद्यनाथ ने एक बार वाराणसी के डोम राजा सुजीत चौधरी के घर भोजन किया था। जब आप मकर संक्रांति के समय पर यहाँ मंदिर आएंगे, यानी जनवरी के माह में जब आप गोरखनाथ मंदिर घूमने आएंगे, तो शाम के समय में इसकी छटा और भव्यता देखते ही बनती है। फ्रेंड्स, यह रहा गोरखनाथ मंदिर और उसका गौरवपूर्ण इतिहास। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपने विचार कमेंट करें, इसे शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। Thank you.